वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द मोस्ट स्केरी एंड रियल डार्क वेब वीडियोस एवर फाउंड। एंड अगर आपने सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी जरूर चेकआउट करना, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा स्केरी बनी है। हम अक्सर काफी टाइप के ह्यूमन क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ते रहते हैं या उनके बारे में देखते रहते हैं। इवन थोड़े टाइम पहले मैंने खुद एक ऐसी क्रेजी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स वाली वीडियो बनाई थी अपने इस चैनल पर। एंड मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की जो हमारी पहली डार्क वेब की क्लिप होने वाली है वो भी एक लीक्ड ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की फुटेज मानी जाती है, वो भी सीधा डार्क वेब से, जिसके अंदर आप लोग देखोगे कि एक ह्यूमन जैसे दिखने वाले सब्जेक्ट को एक अजीब सी मशीन के अंदर लॉक करके रखा हुआ है एंड उसके ऊपर पता नहीं कैसी तरह तरह की चीजें परफॉर्म करी जा रही थी। एंड वीडियो में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक और मशीन देखने को मिलेगी जो उसके फेस पर काइंड ऑफ अ मेक ओवर टाइप कुछ कर रही थी। एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग मैंने एक और चीज को भी नोटिस कराया एंड शायद आप भी करोगे कि इस सब्जेक्ट की बॉडी पर बहुत ज्यादा कट्स एंड बहुत ज्यादा पैचेस भी नजर आ रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट किस चीज का था, इसका श्योर आंसर तो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन मेरी खुद की कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं इस वीडियो के ऊपर। जैसे ये एक्सपेरिमेंट शायद एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो सकता है जिसके अंदर एक ओल्ड विक्टिम, ओल्ड सब्जेक्ट को डी एज करने की कोशिश करी जा रही थी। एंड कुछ सीन्स देखकर ऐसा भी लग रहा था जैसे एक ह्यूमन एंड एक एनिमल के जेनेटिक्स को कंबाइन करके एक काफी ज्यादा डार्क एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, क्योंकि इस लीक्ड फुटेज के इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर इसकी आंखें काफी ज्यादा वियर्ड लगती हैं एंड वो ह्यूमन जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। वैसे तो ये वीडियो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, जो भी चीजें मैंने आपको अभी बताई वो सिर्फ मेरी थ्योरीज हैं, तो इसी वजह से मैं आप लोगों की राय जरूर सुनना चाहूंगा। एंड अगर आपकी भी कोई थ्योरीज हैं इस वीडियो के ऊपर तो जरूर कमेंट करके जाना। दोस्तों अब ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा डार्क होनी शुरू हो जाएगी एंड जो जो चीजें आप अभी सुनने वाले हो एंड देखने वाले हो आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करी होगी एंड आई अश्योर यू डैट, क्योंकि अब जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इन्हीं की रिसर्च के कारण मेरे को ये वाली सीरीज बनाने में 2 महीने से भी ज्यादा लग गए हैं। ये जो वीडियो है इसको टिम, जॉन एंड बेन नाम के 3 यंग लोगों ने शूट किया था एक ऐसी अबेंडेंट लोकेशन पर जो मानी जाती थी डार्क वेब के विक्टिम्स को फॉर सम टाइम पीरियड स्टोर करने के लिए। इन सिंपल लैंग्वेज डार्क वेब के जितने भी विक्टिम्स होते थे उनको अपने क्लाइंट्स के पास पहुंचाने से पहले या फिर उनको टॉर्चर रूम में भेजने से पहले वो सारे यहाँ पर स्टे किया करते थे, इसी सेम बिल्डिंग में जहाँ पर ये तीनों लड़के फिलहाल गए हुए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एक और काफी ज्यादा क्रीपी बात जो इस जगह से जुड़ी हुई है वो ये है कि जब उन विक्टिम्स को इस जगह पर लाकर स्टोर किया जाता था तो उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया जाता था। उन विक्टिम्स को अच्छे से खाना नहीं दिया जाता था, उनको अच्छे से पानी नहीं दिया जाता था एंड इसी टाइम पीरियड के बीच में अगर उनके मुंह से हल्की सी भी आवाज निकल जाती थी तो उनका मार मार के बुरा हाल कर दिया जाता था, जिस वजह से कहते हैं कि कुछ विक्टिम्स तो इसी लोकेशन पर, इसी साइट वाली जगह पर ही मर जाते थे अपनी डेस्टिनेशंस पर पहुंचने से पहले ही। एंड यही वो वजह है जिस वजह से आज भी ये माना जाता है कि इस अबेंडेंट जगह में उस डार्क वेब के टॉर्चर वाले ओरा के साथ साथ में उन डेड विक्टिम्स की भी स्पिरिट्स घूमती हैं, जो यहाँ पर विजिट करने वाले हर व्यक्ति हर चीज का बहुत ज्यादा बुरा हाल कर देती है। एंड जो जो चीजें इन नौजवानों के साथ होने वाली है वो देखने के बाद ये सब चीजें काफी ज्यादा बिलीवेबल भी लगना शुरू हो जाती हैं। तभी आप इनकी रिकॉर्ड करी गई फुटेज को देखने वाले हो जो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो आपको कैप्चर करने में जरूर मजा आएगा, तो ध्यान से जरूर देखते जाना। Look at the door, guys. John. I'll do it. Where's John? John. John, come on, man. Dude, come on. All relax. You guys are so tight.
John, grow up, dude. Dude, you're always like, come on. Dude. Hey, have a little fun. I know. Dude, seriously, cut it out, alright? Guys, just be quiet. It's fine. Just. Fine, I'm going first the whole time. You guys are just scared. Well, it is a little bit creepy, isn't it? Shh. Guys, be quiet. That's nasty. John, you want to go? Yeah, I'll go. That's terrible. Dude, off a bit. Dude, that smell is so bad. What? What? What is that? John, what is that? Like, dude, this smells really bad. It's like, keep it all. Guys, this smell is terrible. I think I'm. Guys, I'm gonna throw up. Guys, we need to go. I'm gonna puke. We gotta go, man. We gotta go. Well, Jesus. Oh my God! Go, 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 go! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh, oh, please, Robert. Okay, you gotta go. मुझे ये वीडियो इस लिस्ट की सबसे ज्यादा टेरिफाइंग वीडियो लगती है दो कारणों की वजह से। फर्स्ट वन बीइंग कि ये डार्क वेब या डीप वेब से रिलेटेड एक वीडियो हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ में दिस वन इज आल्सो सेड टू बी रिलेटेड टू पैरानॉर्मल एंड हॉन्टेड स्टफ। इन वीडियो में आ रहे किसी भी दोस्त का रिएक्शन देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कोई भी दोस्त इस सिचुएशन को फेक करने की कोशिश कर रहा हो। इनफैक्ट ये लोग तो सिर्फ एक रूमर के बहाने उस जगह को एक्सप्लोर करने गए थे। इन्हें तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं। उनके उस जगह में एंटर होने के बाद ही हम देख सकते हैं उनके कैमरा में कि उस जगह की सारी वॉल्स क्रीपी सटोनिक सिंबल्स रिचुअल्स एंड आर्टिफैक्ट वाले लैंग्वेजेस से भरी पड़ी थी। एंड कुछ कुछ जगह पर तो उल्टे क्रॉस भी लटके हुए थे। उस जगह के बेसमेंट में जाने के बाद उनको कुछ क्रीपी सी डॉल्स भी लटकी हुई दिखाई देती है। एंड उस जगह से आज भी उनको इतनी ज्यादा फाउल स्मेल आ रही थी मानो जैसे आज भी वहां पर रोटन डेड बॉडीज को छुपा कर रखा गया हो। एंड वो फाउल स्मेल टिम के लिए तो इतनी ज्यादा अनबेरेबल हो जाती है कि वो वहीं पर ही प्यूक आउट कर देते हैं। थोड़ा और उस जगह को डीपली एक्सप्लोर करते वक्त जॉन, जो उनके एक फ्रेंड थे जो पहले के कुछ सीन्स में भी काफी ज्यादा मस्ती मजाक करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो किसी के हाथों तो जरूर पकड़े जाते हैं जब वो उस जगह में घूम रहे थे। जब उन सभी को रैंडमली उस बिल्डिंग के एक किनारे से एक पियानो की एंड एक मॉन्स्टर सी ग्राउलिंग नॉइज आती है, एंड वो चीज एक्सपीरियंस करने के बाद टिम एंड बेन तो फटाफट भाग गए उस जगह से, ये सोचते हुए कि शायद जॉन भी उनके साथ में ही है। लेकिन उनका ये सोचना थोड़ा गलत साबित होता है क्योंकि ऐसा नहीं था, क्योंकि वो दोनों तो उस जगह को एस्केप कर चुके थे। लेकिन जब उन्होंने एस्केप किया एंड कैमरा वापस उस घर की तरफ किया तो हम देख सकते हैं कि जॉन की किस टाइप से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जब बाद में उनके दोस्तों ने जॉन से पूछा कि तुम पर किस चीज ने अटैक कर दिया था एंड तुम्हें वहां पर किस चीज ने पकड़ लिया था, तो उसके पास कोई भी जवाब देने को नहीं था। जॉन लिटरली टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट पैरालाइज सा ही हो गया था। वैसे मैं आप लोगों के थॉट्स भी जरूर सुनना चाहूंगा इस क्लिप के ऊपर। आज की जो हमारी थर्ड वीडियो है उसकी तो बैक स्टोरी सुनकर ही हो सकता है कि कुछ लोग इसको आगे स्किप कर दें थोड़ा बहुत, क्योंकि जो चीज मैं आपको अभी दिखाने एंड बताने वाला हूं इस वीडियो को कुछ 23 से 24 साल के कुछ लड़कों ने ही रिकॉर्ड किया था, जिनको रिसेंटली अपने किसी दोस्त से पता चला था कि उनके नेबरहुड में एक ऐसा ओल्ड मैन रहा करता है जो डार्क वेब के डेड विक्टिम्स की बॉडी पार्ट्स को निकालने का काम किया करता था। एंड उन्हें यह भी पता चला इसके साथ साथ कि वो ओल्ड मैन एकदम पागल था, एकदम साइको किस्म का इंसान था। एंड उनको यह भी पता चला था कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके घर के ज्यादा आसपास आने की कोशिश करता था तो वो उस व्यक्ति का, उस बंदे का आखिरी दिन बन जाता होता था। एंड पर्सनली अगर मैं अपने नेबर में किसी ऐसे बंदे के बारे में सुनूंगा तो उसके आसपास तो छोड़ो उसके मोहल्ले में भी नहीं भटकूंगा कभी। लेकिन पता नहीं लड़कों के दिमाग में ये बात सुनने के बाद ऐसी क्या चीज क्लिक कर गई
कि ये तीनों दोस्त उसी ओल्ड मैन के घर के बाहर जाकर अजीब अजीब हरकतें करना शुरू करने लगते हैं। उन तीनों में से एक दोस्त उस ओल्ड मैन के घर के मेन डोर पर कोई चीज जलाकर उसको थोड़ा बहुत परेशान करने की कोशिश करने लगता है, उसको काइंड ऑफ एक प्रैंक देने की कोशिश कर रहा था वो। एंड वीडियो में आप ये भी देख पाओगे कि वो ओल्ड मैन इस चीज को बिल्कुल भी मजाक में नहीं ले रहा था, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसी सेम डे ये हरकत करने के कुछ ही टाइम बाद वो तीनों फिर से चले जाते हैं वैसा ही कुछ करने उस ओल्ड मैन के घर के बाहर। एंड ऑन द सेकंड अटेम्प्ट ऑफ डूइंग दिस दे बेयरली एस्केप दैट मैन। मेरी क्रिसमस। उन दोस्तों को जो चीज मजाक लग रही थी उनकी जिंदगी के लिए अभी काफी ज्यादा भयानक मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि जब तीसरी बार उसी सेम डे को जब वो दोस्त फिर से उसको प्रैंक करने के लिए जाते हैं तो इस बार वो डेडली ओल्ड मैन उनके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड था। एंड अब जो तुम्हें देखने को मिलेगा इज वे बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। February 3, 2009, ये तीनों 24 साल के लड़के नॉर्थ जॉर्जिया नाम के एक टाउन से हमेशा के लिए डिसअपीयर हो चुके थे। एंड आसपास के घरों एंड लोगों ने जब उस ओल्ड मैन के बैकयार्ड से एक एक्स की एंड कुछ बच्चों के चिल्लाने की आवाजों को सुना तो पुलिस को भी उन्होंने एज अ गुड गेस्चर कॉल कर दिया था। एंड कहा जाता है कि वो ओल्ड मैन शायद अरेस्ट भी हो गया था, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग एंड कंफ्यूजिंग चीज ये है कि आज तक पुलिस वालों को उन बच्चों की, उन तीनों लड़कों की डेड बॉडीज मिली ही नहीं। एंड ये भी माना जाता है कि उस बूढ़े आदमी ने अपने मरते दम तक उन पुलिस वालों को नहीं बताया कि उसने उन बच्चों का, उनकी डेड बॉडीज का आखिर में किया क्या एंड कैसे उसने इतना ज्यादा विजिबल एंड बड़ा एविडेंस इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय या फिर हाइड कर लिया था। मे बी उनके भी बॉडी पार्ट्स को वो ओल्ड मैन निकाल कर बेच चुका होगा जब तक पुलिस अराइव। बट दिस इज अ ह्यूज मिस्ट्री ऑफ डार्क वेब एंड द इंटरनेट जो हमें शायद कभी नहीं पता चलेगी, क्योंकि माना जाता है कि वो साइको मैन भी अब इस दुनिया में नहीं है एंड इस चीज के बारे में कुछ ज्यादा आर्टिकल्स भी नहीं है। लेकिन पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये कैमकॉर्डर जरूर मिला था उस ओल्ड मैन के बैकयार्ड से, जब टिमोथी नाम का ये व्यक्ति सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था जो जो भी हमने अभी देखी। एंड टिमोथी के पेरेंट्स ने ही इस फुटेज को एक प्राइवेट सोर्स पर शेयर करा था एंड वहीं से ही हमें ये सारी स्टोरी एंड ये सारे वीडियो क्लिप्स देखने को मिली है। बट इन दी एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इफ दिस इज ऑल रियल एंड ट्रू तो मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। ये जो वीडियो है उसको डार्क वेब के कुछ कैजुअल यूजर्स ने शेयर किया था जो डार्क वेब एंड इवन डीप वेब को भी उसके काफी अर्ली स्टेजेस से यूज करते आ रहे थे। एक दिन अपने सर्फिंग के दौरान इसी फ्रेंड ग्रुप का एक बंदा जिसका नाम था एलेक्स, वो देखता है कि जब वो डार्क वेब के किसी न्यूज एंड आर्टिकल टाइप की एक वेबसाइट को सर्फ कर रहा था तभी उनको उसी वेबसाइट की तरफ से एक पॉपअप आता है कि उन्होंने एक लॉटरी ट्रिप जीती है जिसके अंदर लिखा हुआ था दैट यू आर द लकीएस्ट अनियन यूजर ऑफ टुडे एंड वी आर गिविंग यू अ
a chance to explore us more. थोड़ी सी anxiety and काफी सारी excitement के अंदर Alex बिना सोचे समझे उस form को भर देता है. And कुछ दिन बीत जाने के बाद उसको उस website की तरफ से एक reply भी आ गया था. Alex को reply भी एक pop-up form में ही आता है जब एक दिन वो उस website को explore ही कर रहे थे. And उसके अंदर लिखा हुआ था साफ साफ कि उनकी application को जो accept कर लिया गया है, जो of course वही website वाले उनके लिए sponsor करने वाले थे. And साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ था कि अगर उनको इस ट्रिप पर जाना है तो उनकी कंपनी की कुछ शर्तें हैं जो उनको पूरी करनी पड़ेंगी, जिसमें मेंशन था कि एलेक्स को ये ट्रिप पूरा करने के लिए उनके साथ में दो और लोगों को एनरोल करना पड़ेगा मैंडेटरी. उनको अपने साथ एक वर्किंग कैमरा भी लेकर जाना पड़ेगा एंड उनको अपनी ट्रिप की हर डिटेल को जो है रिकॉर्ड करना होगा. एंड जब एलेक्स इस चीज के ऊपर थोड़ा सा कंसर्न दिखाने की कोशिश करता है तो वेबसाइट से ही कोई अननोन रैंडम पर्सन एलेक्स को सिंपली ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा इसलिए उनसे करवाना चाहते हैं ताकि वो उनकी इस वाली ट्रिप एंड जर्नी पर भी एक सक्सेसफुल आर्टिकल को जो है पब्लिश कर पाए. एंड ये वाला एक्सक्यूज सुनने के बाद एलेक्स सभी शर्तों को मान भी लेता है. एंड वैसे भी उस टाइम पर समर हॉलीडेज चल रही थी उनकी एंड समर हॉलीडेज के दौरान वो कहीं जा भी नहीं रहे थे, तो उन्हें लगता है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सबके लिए. एंड मैं सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एलेक्स ने अपने बाकी दो दोस्तों को भी कन्विंस कर लिया था इस चीज के बारे में, क्योंकि जिस टाइप का आर्टिकल ये डार्क वेब वाली वेबसाइट अपने ऊपर पब्लिश करना चाहती थी उसके बारे में एलेक्स एंड उनके दोस्तों को स्लाइड सा भी आइडिया होता ना, तो डार्क वेब तो छोड़ो, एलेक्स जरूर इंटरनेट को ही हमेशा सर्व करने से डरता रहता. फास्ट फॉरवर्ड टू फ्यू डेज, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई थी एंड उनकी ट्रिप एकदम स्मूथ जा रही थी. एंड ऑफ कोर्स उनको अपनी ट्रिप पर काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था. एंड मजा आता भी क्यों ना, क्योंकि एलेक्स के बाकी दो दोस्त फेजर एंड रॉबिन भी उनको ज्वाइन कर चुके थे एंड वो पूरी मस्ती कर रहे थे अपनी उस फ्री ट्रिप के दौरान. लेकिन जैसे ही वो लोग अपनी ट्रिप की तीसरी रात के अंदर पहुंचे तो एज पर द रूल एलेक्स वो स्टिल रिकॉर्डिंग एनीथिंग पॉसिबल जब तक वो जाग रहे थे. एंड जब वो सारे दोस्त एक बॉनफायर बनाकर बियर के कैंस के मजे ले रहे थे तभी अचानक से वो तीनों एक चीज को नोटिस करना शुरू कर देते हैं. एंड स्पॉइलर वार्निंग, वो चीज उन तीनों का एंड होने वाली थी. उन तीनों दोस्तों को अपने कैंपिंग एंड बियर सेशन के दौरान एक गाड़ी के गेट के काफी ज्यादा तेज शट होने की आवाज आती है. एंड आफ्टर फ्यू सेकंड्स ऑफ दैट नॉइज वो तीनों दोस्त कुछ जंगली कुत्तों से एंड एक इनविजिबल चीज से भागते हुए दिखाई देते हैं. एंड उनकी हैवी ब्रीदिंग एंड पैनिक वाली सिचुएशन को देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि वो किसी डेडली एंड जानलेवा चीज से ही अपना पीछा छुड़वाना चाह रहे थे. एंड तभी में एलेक्स के पीछे से गन शॉट की आवाज आती है एंड देन वीडियो अब्रप्टली एंड हो जाती है. इस इंसिडेंट के नेक्स्ट डे में उस अननोन जगह के मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति कोलार्ड जब उस जंगल में घूमने आए हुए थे एक मॉर्निंग वॉक के लिए, तभी कोलार्ड को वो कैमकॉर्डर देखने को मिलता है जो कुछ ही टाइम पहले एलेक्स के हाथ में था. एंड उसी कैमकॉर्डर के आसपास उन्हें बहुत ज्यादा ब्लड भी देखने को मिलता है. कोलार्ड उस कैमरा को अपने घर ले जाते हैं एंड अपने कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर देते हैं. एंड जो चीज उन्होंने देखी एंड इनफैक्ट अभी आपने भी देखी, उसको देखने के बाद कोलार्ड की पूरी बॉडी टॉप टू बॉटम शिवर करना शुरू कर देती है. बिकॉज कोइंसिडेंस और व्हाट, कोलार्ड भी एक डार्क वेब यूजर था एंड उसी दिन की मॉर्निंग वॉक पर आने से पहले कोलार्ड ने भी उसी सेम वेबसाइट को सर्फ किया था जो एलेक्स भी यूज किया करते थे. एंड आपको पता है कि अगले दिन उस डार्क वेब की न्यूज वेबसाइट का पहला आर्टिकल क्या था, कि कुछ लोगों ने एक जंगल साइड के अंदर तीन नौजवान लड़कों को किडनैप कर लिया है. एंड उस आर्टिकल में यह भी लिखा हुआ था कि वो किडनैपर्स डार्क वेब के अननोन यूजर्स माने जाते हैं. एंड उसमें यह भी लिखा हुआ था कि वो तीनों नौजवान एलेक्स, रॉबिन एंड फेजर, उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट एंड डार्क वेब के टॉर्चर्स के अंदर यूज किया जाएगा. एंड कोलार्ड ने वो कैमकॉर्डर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करने से पहले ही ये आर्टिकल पढ़ लिया था. एंड उन तीनों की डेड बॉडीज को देखने के बाद उसे रियलाइज हो जाता है कि ये और कहीं नहीं बल्कि उसके पड़ोस में ही हुआ है. एंड ये काम और किसी ने नहीं, शायद इनकी फेवरेट डार्क वेब न्यूज वाली वेबसाइट ने ही करवाया है, जो मे भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते थे
काफी ज्यादा डार्क मैनर में। एंड इतना सब कुछ जानने के बाद लिटरली कोलार तक को भी अब अपनी जगह पर रहने से काफी ज्यादा डर लगना शुरू हो गया था। एंड ऑफ कोर्स उसने वो वेबसाइट तो कभी सर्फ नहीं करी होगी इस चीज को डिस्कवर करने के बाद। अगर ये कहानी सच है तो मुझे इससे एक चीज तो समझ आती है कि हम ह्यूमंस अपनी डीड्स को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं एंड किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये वाली जो डार्क वेब की वीडियो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट, मिस्टीरियस एंड डार्केस्ट वीडियो। इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन एनीवेज अगर आप अभी तक क्रीप आउट नहीं हुए हो या फिर अभी तक आपको अजीब अजीब सा नहीं फील हो रहा है, विच आई गेस कहना तो सही नहीं होगा क्योंकि मैं आज आपको बहुत ज्यादा डार्क चीजें बता चुका हूँ, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप ऐसी और भी ज्यादा डार्क चीजें देखना चाहते हो। बट एनीवेज एक बार इस वीडियो को देख लो एंड मे बी आप लोगों को इसके ऊपर कुछ समझ आ जाए, बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। घोस्ट, स्पिरिट, एलियंस, गोर एंड पता नहीं क्या क्या दिखाने की कोशिश करी गई है इसी एक वीडियो के अंदर। एंड आई डोंट इवन नो हाउ टू एक्सप्लेन ऑल दिस शिट, बट एक चीज मैं जरूर कह सकता हूँ कि एडिटिंग के टाइम मैंने इस वीडियो को काफी बार देखा था और मुझे कहना चाहिए कि मुझे काफी बार देखना पड़ा था एंड तब मुझे काफी अनकंफर्टेबल सा फील होने लग गया। एंड अगर आप भी ये चीज ट्राई करना चाहते हो तो एक दो बार इस वीडियो को रिपीट में देख कर देखो एंड अगर आपको भी अनकंफर्टेबल लगे उसके बाद तो मे बी दिस वीडियो हैज समथिंग डार्क विद इट। गाइज, डार्क वेब की इस सीरीज के ये दोनों पार्ट्स बनाने में मुझे 2 महीने से भी ज्यादा की रिसर्च लगी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी डार्क वेब की वीडियोस थी जो सभी यूट्यूबर्स दिखा चुके हैं एंड वो कुछ ज्यादा स्केरी भी नहीं थी, तो ऑफ कोर्स मैं कुछ अलग करना चाहता था। एंड अगर आपको ये कुछ अलग पसंद आया है तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट जरूर करना एंड सब्सक्राइब तो कर ही लेना ऐसे और क्रीपी कंटेंट के लिए।